आलू की सब्जी आपने तो बहुत खाई होगी। आज की पूरी वाली आलू की सब्जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। झटपट बनेगी, समय बचाएगी, जो खाएगा वही आपके गुण गाएगा। बिना किसी मेहनत, बिना किसी झंझट, एकदम आसान इंस्टेंट तरीके से आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक रसीले आलू यानी हलवाई स्टाइल तरी वाली सब्जी, वो भी कुकर में बनी हुई, जिसको स्पेशली पूरी के साथ खाया जाता है। सिंपल लेकिन बहुत ही शानदार ऐसा टेस्ट आएगा, हलवाई की सब्जी इसके सामने फेल लगेगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत टेस्टी इंस्टेंट तरी वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए पहले गैस पर कुकर चढ़ाएंगे, उसमें 5 से 6 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप जो खाते हैं वो तेल यूज करें। तेल गर्म होने पर 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून सौंफ और साथ में 1/2 टेबलस्पून कलौंजी डालेंगे, 1 टीस्पून राई जिसे सरसों का दाना कहते हैं, 1/2 स्पून हींग, खड़े गरम मसाला में तेज पत्ता 1 से 2, दालचीनी लकड़ी छोटा टुकड़ा, काली मिर्च 5 से 6 दाने, लौंग 2, साबुत धनिया बीज 8 से 10 दाना, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद कुकर में समूचे 4 टमाटर ऐड करेंगे और 4 प्याज ले लेंगे, उसके 2 भाग काट लेंगे और कुकर में ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे, 6 से 7-8 आलू मीडियम साइज का, जिसका छिलका पहले से हम उतार लेंगे और धोकर कुकर में ऐड कर देंगे। अब सारे सब्जी को अच्छे से चला देंगे और इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार डालें और उसके बाद सभी सब्जियों को हाई फ्लेम में 2 मिनट तक भून लेंगे। सब्जी हमारी भून गई है, अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी की मात्रा सब्जी के बराबर हो, जिससे ग्रेवी उसका टेक्सचर सही से बने। इसके बाद हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे, हाई फ्लेम में 1 सीटी लगा देंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम में 1 सीटी और लगा देंगे, गैस ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर पूरी तरह से निकल जाने देंगे। अब हम ढक्कन को हटाएंगे। हमारी सब्जी पक गई है, सब्जी को अच्छे से घोट लेंगे दबा दबा कर। हमारी सब्जियां घुट गई हैं, आलू का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे, टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे जिससे ग्रेवी का थिकनेस बन जाए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसा खटाई ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे और कस्तूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। कस्तूरी मेथी से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। सब्जी में हरा धनिया पत्ती ऐड करेंगे, गैस ऑफ करने के बाद सब्जी में नींबू का रस डालेंगे। अब हम सब्जी में तड़का लगाएंगे, तड़का पैन ले लेंगे, उसमें आप घी गर्म होने पर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सामग्री करी पत्ता, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हींग, 2 साबुत लाल मिर्च, राई से सब्जी में तड़का लगाएंगे। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है और ये देखिए जबरदस्त हमारी रसीली आलू की सब्जी तैयार हुई है और इसके कलर भी बहुत अच्छा आया है और देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और सब तारीफ करेंगे। एक बार आप मेरे कहने पर बना के देखिएगा जरूर इस रेसिपी को। इस तरी वाली सब्जी को पूड़ियों के साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा और गर्मा गर्म सर्व करिए पूड़ी पराठा
चावल के साथ। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।